हाय एवरीवन, वेलकम टू जीएस सर्कल्स। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि हम लोग पर डे एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, खास करके यूपीपीसीएस 2020 और समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस का हर दिन एक नया टॉपिक लाएंगे, और उसके तहत हमारा ये पूरी तरह से फोकस ये होगा कि वो टॉपिक कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाए। तो उसी कड़ी में, जैसे मैंने पहले 2-3 लेक्चर्स लिए, उसमें हमने बताया कि भारत की पोजीशंस क्या है, भारत की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, भारत की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, भारत के कितने राज्यों की सीमा समंदर से लगती है, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री जिससे टच करती है, भारत के कितने पड़ोसी हैं जिसकी बाउंड्री इंडिया से टच करती है, और उसके बहुत सारे फैक्ट्स हमने बताए। उसी कड़ी में आज एक नया टॉपिक हम लेके आए हैं जिसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अमूमन ये देखा गया है कि इस टॉपिक से हर एग्जामिनेशन, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वनडे हो, चाहे वो यूपीपीसीएस कमीशंस का हो, चाहे कोई भी स्टेट कमीशन का एग्जामिनेशन है, इस टॉपिक से एक सवाल आता है। और उस कड़ी में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली ये किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिस तरह से देखिए आप पहले मार्च पीएस सुनाते हैं कि ये भारत है। मैंने बताया था कि भारत के बिल्कुल वेस्ट में एक अरबियन सी है, भारत के ईस्ट में अब बे ऑफ बंगाल है, भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, और आप अगर मैप उठा के देखेंगे तो म्यांमार के बिल्कुल नीचे और बे ऑफ बंगाल में, यानी इंडिया के पेनिनसुलर इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में भारत का एक आइलैंड है जिसका नाम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिंपली एज एन आर्चिपेलागो, इट्स मीन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप है जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरीज है, यानी संघराज्य क्षेत्र है। तो अब आप देखिए, इससे जो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, देखिए पहली बात तो ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये हिमालय का एक्सटेंशन है। अगर मैप देखेंगे तो भारत के उत्तर में हिमालय है जो लॉफ्टी माउंटेन्स है, और ये हिमालय म्यांमार के अंदर एंट्री करता है, और म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा बोला जाता है। वही अराकान योमा साउथ की डायरेक्शन में बढ़ता है और उसका पानी के अंदर डूब जाता है, और आगे चल करके छोटे छोटे आइलैंड के रूप में दिखाई पड़ता है। तो सिंपली अंडमान निकोबार द्वीप समूह इज एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, दैट इज ये। और दूसरी बात यह है, सवाल खूब पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर मौजूद है। तो याद रखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के पूर्व में है और ये बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मुख्यतया अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दो बड़े आइलैंड्स में ग्रुप में तोड़ लिया जाता है। ऊपर का जो चार पोर्शन है, ये चार टुकड़े हैं, ये अंडमान कहलाता है, नीचे निकोबार कहलाता है। ध्यान देने की बात यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हमने मतलब दो पार्ट में दिखाया है, लेकिन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह अप्रॉक्सिमेट 3000 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, 3000 आइलैंड का एक ग्रुप है जिसमें तकरीबन 265 पर कोई आबादी नहीं है, छोटे आइलैंड है उसको कोई आबादी नहीं है। अब देखिए क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में हमने डिवाइड किया, एक अंडमान और एक निकोबार। अंडमान में चार आइलैंड हमने दिखाए हैं, सबसे ऊपर में नॉर्थ अंडमान, इसी नॉर्थ अंडमान में एक
यहीं पे लिख लेते हैं, एक पीक है जिसका नाम सैडल पीक है, सैडल पीक, यानी इस नॉर्थ अंडमान पर एक पहाड़ है जिसकी एक चोटी है जिसका नाम सैडल पीक है, और ये सैडल पीक इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये सवाल आपको पूछा गया है, कई एग्जामों में आया है, इसको आप नोट करने की जरूरत है। नॉर्थ अंडमान के बिल्कुल नीचे दूसरा एक अंडमान है जिसका नाम मिडिल अंडमान है। याद रखिए, मिडिल अंडमान से रिलेटेड बात यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे अभी मैंने बताया, ये 3000 आइलैंड्स का एक ग्रुप है। उन तीनों 3000 आइलैंड्स के ग्रुप में सबसे बड़ा आइलैंड अगर पूछा जाए कौन है, तो आप बताएंगे कि मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान के बिल्कुल नीचे एक दूसरा एक आइलैंड है जिसका नाम साउथ अंडमान है। याद रखिएगा कि आप सभी जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर्स है, और पोर्ट ब्लेयर्स की जो पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहां पर, किस आइलैंड ग्रुप में है, तो साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक कैपिटल है। ठीक है, साउथ अंडमान के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम रखा गया है लिटिल अंडमान। अब यहां ध्यान रखिएगा, लिटिल अंडमान के बिल्कुल नीचे फिर क्या है, निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। निकोबार द्वीप में सबसे ऊपर वाला कार निकोबार, कार निकोबार के बाद लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार के नीचे ग्रेट निकोबार। अच्छा, ग्रेट निकोबार का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कि 6.4 नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, उसको कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट्स, इसी को पार्सन पॉइंट्स भी कहा जाता है, इसी को इंद्रा पॉइंट्स भी कहा जाता है। तो पिग्मेलियन पॉइंट को तीन नाम और है, दो नाम और है, एक है पार्सन पॉइंट, एक पॉइंट से इंद्रा पॉइंट। ठीक, अब देखिए, भारत की सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो मुख्य भूमि पर 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, जिसको बोलते हैं कन्याकुमारी बोलते हैं, और पूरे भारत का यानी मुख्य लैंड्स और आइलैंड्स दोनों को मिला लिया जाए तो सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट देखा जाता है तो वो कहां पे है, ग्रेट निकोबार के सबसे साउदर्न पॉइंट पर, जिसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट है, इसी को पार्सन पॉइंट्स बोलते हैं, इसी को इंद्रा पॉइंट्स बोलते हैं। ये सवाल खूब पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंद्रा पॉइंट। ठीक, अब देखिए इसके बारे में, देखिए ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के नीचे एक हरा पॉइंट्स दिख रहा है, ये हरा पॉइंट्स क्या है, ये सुमात्रा है, और सुमात्रा किसका पार्ट है, इंडोनेशिया का पार्ट है। इसका मतलब हुआ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल नीचे कौन सा कंट्री है, सुमात्रा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट है जिसका नाम कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड जो है वो म्यांमार का पार्ट है, म्यांमार का हिस्सा है, यानी लेकिन चाइना ने इसको लीज पर ले लिया है, पट्टे पे ले लिया है। तो आप देख रहे हो कि पूछा जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर कौन सा देश आता है, तो आप बताओगे म्यांमार आता है, क्योंकि कोको आइलैंड म्यांमार का पार्ट है। सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा देश है, तो आप बताओगे सीधे कि इंडोनेशिया, क्योंकि सुमात्रा इसके नीचे लिखा है। अब देखिए एक सवाल
यहाँ से ये आता है। अच्छा देखिए कुछ और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। सवाल ये पूछा जाता है कि भारत का कौन सा हिस्सा है, यानी कौन सा पार्ट है जहां पर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, यानी ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक आइलैंड है जिस पर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसका नाम बैरन आइलैंड है, जो कि एक्टिव आइलैंड है, यानी अभी भी उस पर ज्वालामुखी आते रहते हैं, यानी वोल्केनिक एक्टिविटीज होते रहते हैं। दूसरा है नारकोंडम, देख रहे हैं आप लिखा हुआ है, नारकोंडम भी एक वोल्केनिक एक्टिविटीज, इस नारकोंडम आइलैंड्स पर वोल्केनिक एक्टिविटीज होती थी लेकिन अब नहीं हो रही, इसलिए इनएक्टिव वोल्केनो यहां पर पाया जाता है नारकोंडम में, लेकिन एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटीज कहां पाई जाती है, बैरन आइलैंड्स पर। तो इस तरह से हमने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दो पार्ट हुए, अंडमान और निकोबार। अंडमान में चार हमने बताया, नॉर्थ अंडमान जो कि इस पर एक पीक है जिसका नाम सैडल पीक है, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितने भी आइलैंड है उसका सबसे ऊंचा पॉइंट है। दूसरा आइलैंड मिडिल अंडमान, ये मैंने बताया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बहुत सारे 3000 अप्रोक्सीमेट जो आइलैंड है उसमें सबसे बड़ा आइलैंड है। मिडिल अंडमान के बिल्कुल नीचे साउथ अंडमान, साउथ अंडमान के नीचे लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के नीचे फिर निकोबार आता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से है। अब एक क्वेश्चन आता है चैनल, चैनल का मतलब हुआ कि दो आइलैंड के बीच पानी का हिस्सा जो दो बड़े पानी के हिस्से को कनेक्ट कर रहा है, यानी ये इन दो आइलैंड के बीच जो पानी का हिस्सा है उसके चैनल हुआ रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैनल है जो सवाल एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, तो हम देखते हैं कौन कौन से चैनल है। देखिए कोको आइलैंड, कोको आइलैंड्स म्यांमार का पार्ट है, कोको आइलैंड्स और नॉर्थ अंडमान के बीच में जो चैनल है उसको कोको चैनल कहते हैं, ठीक। तो एक चैनल कोको चैनल, दूसरा देखते हैं साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसको डुंकन चैनल बोलते हैं, डुंकन चैनल। अब लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या इस तरह कह सकते हैं अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, तो आप बताओगे 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कुछ नहीं बल्कि जैसे हमने बताया था कि जैसे पृथ्वी के बीचों बीच इक्वेटर है, जीरो, जीरो के ऊपर हम जाएंगे डिग्री बढ़ता जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 90 तक हो जाएगा, तो जीरो से ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से नॉर्थ डायरेक्शन में एक 10 डिग्री भी आएगा, जो 10 डिग्री है वो अंडमान और निकोबार के बीचों बीच से निकलता है, इसलिए 10 डिग्री चैनल कहा जाता है इसको। एक पॉइंट और ये है, देखिए चैनल और कौन सा है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में एक चैनल है जिसको बोलते हैं ग्रेट चैनल, यानी ग्रेट चैनल पूछा जाए किसके बीच में है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में, या ये भी कह सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो चैनल है उसको ग्रेट चैनल कहते हैं। तो चार चैनल हो गए, कोको चैनल सीधे दिख रहा है किसके किसके बीच में है, डुंकन चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रेट चैनल। 10 डिग्री चैनल बार बार पूछा गया है, डुंकन चैनल खूब पूछा गया है, कोको चैनल हर एग्जाम पूछा जाता है, ग्रेट चैनल भी पूछा गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा टेरिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक आइलैंड्स का ग्रुप है, और अप्रॉक्सीमेट 3000 आइलैंड इस पर है, जिसमें 265 आइलैंड्स पूरी तरह से अनइनहेबिटेड है। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए,
पूछा जाता है। देखिए सवाल यह है कि पूरे अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में तकरीबन 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभयारण्य, 9 नेशनल पार्क हैं, 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरी तरह से एक इको फ्रेंडली डेस्टिनेशन टूरिस्ट साइट कहा जाता है, पूछा जाता है किस जगह को, भारत के किस जगह को इको फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट कहा जाता है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे ज्यादा पूछेगा कौन सा स्टेट आर यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क और बायोस्फीयर सब मिलाकर सबसे ज्यादा कहां पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। अब कुछ और भी फैक्ट्स हम इस पे देख लेते हैं कि क्या है इसमें। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ईस्ट डायरेक्शन में कोरल रीफ है, वेस्ट डायरेक्शन में कोरल रीफ है। तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो ईस्ट डायरेक्शन में वो फ्रिंजिंग रीफ पाया जाता है, फ्रिंजिंग रीफ बोला जाता है इसको, फ्रिंजिंग रीफ। और वेस्ट डायरेक्शन में बैरियर रीफ पाया जाता है। तो ये पॉइंट सी हो गया। उसके कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है हम लोग आइलैंड्स के नाम देख लेते हैं। एक एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है यहाँ पर, दूसरा है यहाँ मैरीन म्यूजियम है, तीसरा है वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, चौथा है गांधी पार्क है, पांचवा वाइपर आइलैंड्स है, छठा कॉर्बिन्स केव है, कॉर्बिन के बीच है। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स यहां पर होते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, वाइपर आइलैंड, कॉर्बिन बीच, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अच्छा आज जितना हमने बताया उस पे कहीं ना कहीं आपको हर एग्जामिनेशन में एक सवाल यहां से मिलेगा। अगली कड़ी में फिर हम कोई टॉपिक उठाएंगे जो इस बात का पूरी तरह ध्यान रखेंगे जो आपको पीसीएस 2020 का एग्जाम होने वाला है या जो भी दूसरे वनडे एग्जामिनेशन आप फेस करने जा रहे हैं, वह उन सभी एग्जामिनेशन पे एक सवाल हर लेक्चर्स में छोटा सा जो लेक्चर रहेगा उसमें एक सवाल मिलने की पूरी 99.99% मिलने के पूरे चांस होंगे। तो अगले क्लास के लिए, अगले फिर दूसरा टॉपिक के लिए हम फिर आगे देखते हैं। थैंक यू क्लास।